बहुत ही कम समय में और एकदम ही कम मेहनत करके अगर आपको एकदम ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी नाश्ता बनाकर खाना हो तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। तो इस सूजी को पहले आप किसी भी एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो आपने जितनी सूजी का इस्तेमाल किया है उसका आधा आपको यहाँ पर दही का इस्तेमाल करना है। तो ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/2 कप दही। फिर ये मैंने लिया है 1 बड़ी साइज का प्याज, जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप किया हुआ था। आप चाहो तो यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर या मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। और इसके अंदर आप थोड़ा सा और तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर ये नाश्ता आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो भी। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितना धनिया। अब बस इन सारी चीज़ों को आपको एक बार मिक्स करना है और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आपको एकदम ही गाढ़ा बैटर बनाकर रेडी करना है। अगर गलती से आपसे बहुत ज़्यादा पानी ऐड हो जाता है और ये बैटर एकदम लिक्विड ही हो जाता है तो आप इससे थोड़ी सी और सूजी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। ये जो सूजी के पकौड़े हम बनाने जा रहे हैं ये बनाने में एकदम ही सिंपल है और खाने में एकदम ही करारे लगते हैं। और आज तो हम ये सूजी के पकौड़े बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से पकौड़े की रेसिपीज़ देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए, जिसकी आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटर है ये रेडी हो चुका है और ये इस तरह से इतना गाढ़ा रहना चाहिए। अब इस बैटर को ढक कर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि जो सूजी है ये पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 2 बड़ी चम्मच जितने पीनट्स के सेंगदाने। आप चाहो तो इन सेंगदानों को सेक कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच जितना अदरक यानी कि जिंजर, 7 से 8 गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। फिर इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 से 5 बड़ी हरे मिर्च। आपको इस चटनी को कितना तीखा बनाना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच नमक। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितनी चीनी। अब बस हमें इसको एक बार पहले ग्राइंड करना है। अब ये मैंने लिया है 2 कप जितना धनिया और इसको मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। और इस चटनी को बनाने के लिए हमें ये जो धनिया का डंठल है यानी कि इसका जो स्टेम है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस धनिया को भी हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हमें इसमें ऐड करना है 1 छोटे नींबू का जूस। और फिर इसी में मैं थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड कर रहा हूँ, ताकि ये जो चटनी का रंग है वो ज़रा भी चेंज ना हो। और बस फिर हम इसको एक बार अच्छे से ब्लेंड करके इसकी चटनी बनाकर रेडी करेंगे। चलिए, जिसके आप देख पा रहे हो कि ये जो धनिया की चटनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। चलिए, इस बैटर को रेस्ट किए अभी तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और जिसके आप देख पा रहे हो कि सूजी ने थोड़ा सा पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये बैटर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। अब सबसे आखिर में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। सोडा का इस्तेमाल करने से ये पकौड़े थोड़े से फूलेंगे भी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। चलिए, पकौड़ा बनाने के लिए जो बैटर है ये रेडी हो चुका है, तो आइए हम पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। और इसको कैसे फ्राई करना है ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप इसको ठीक से फ्राई नहीं करोगे तो ये पकौड़े काफ़ी ऑयली बनेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर तेल का तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा तो ये पकौड़े फटाफट से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर तेल एकदम ही ठंडा होगा तो ये पकौड़े काफ़ी ऑयली बनेंगे। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म रहना चाहिए। शुरू शुरू में एक साथ बहुत ज़्यादा पकौड़े भी फ्राई ना करें, वरना तेल का तापमान कम हो जाएगा और ये पकौड़े भी ऑयली बन जाएंगे। अब आपको इनको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि बाहर से एकदम ही गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते, और इनको अच्छे से फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग सकती है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सूजी के पकौड़े बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो आइए अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इसको टिश्यू पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हो, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और अब ठीक इसी प्रकार से आपको सारे पकौड़ों को फ्राई करके रेडी करना है। ये लीजिए, ये एकदम ही करारे और एकदम ही टेस्टी सूजी के पकौड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। बनाने में एकदम ही सिंपल थे और खाने में एकदम ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी एक बार इस सूजी के पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगा।